जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको वोडाफोन आइडिया का जो FPO मार्केट में आपको लॉन्च होने जा रहा है उसका आपको डिटेल वीडियो इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आपको स्टेप बाई स्टेप सारे डाटा को आपके साथ साझा करते हैं, बताते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स और आपका डिटेल क्या रहने वाला है और आपको दोस्तों इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके रिगार्डिंग सारे डाटा को आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि कल के दिन आपको इसमें ये मार्केट में आपको ओपनिंग होता हुआ दिखेगा जो कि आपको 18 तारीख का दिन होने वाला है और दोस्तों इसकी जो क्लोजिंग डेट पर रखा गया है दोस्तों ये आपको 22 अप्रैल के दिन होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिलता है तो दोस्तों अच्छी बात है, आपको इसमें देख सकते हैं कि आपको 23 अप्रैल के दिन आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को नहीं मिलता तो दोस्तों आपको जो पैसे हैं आपको जो अकाउंट में आपको 24 अप्रैल के दिन ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और दोस्तों यदि आप इसमें लकी रहते हैं, आपको इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाता है तो जो आपको शेयर है आपको 24 अप्रैल के दिन ही आपको ट्रांसफर होता हुआ आपके डीमैट अकाउंट में दिख जाएगा। और दोस्तों इसके जो लिस्टिंग डेट रखा गया मार्केट में आप देख सकते हैं कि आपको 25 अप्रैल के दिन होता हुआ दिखेगा जो कि आपको बृहस्पतिवार के दिन होता हुआ दिखेगा, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका इंपॉर्टेंट डेट्स। अब दोस्तों बात करें इस कंपनी के रिगार्डिंग, इसका इंपॉर्टेंट आपका डिटेल्स के रिगार्डिंग, तो जैसा कि देख सकते हैं कि इसका जो IPO का जो फेस वैल्यू है इसका FPO का, तो आप देख सकते हैं कि वो आपको 10 रुपये का है, 10 रुपये पर शेयर, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 10 रुपये से 11 रुपये रखा गया है। और दोस्तों यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 11 रुपये को फिल करें या 11 रुपये इसमें कट ऑफ प्राइस पर टिक कर दें। और दोस्तों लॉट साइज़ की बात करें तो देख सकते हैं कि 1298 का एक लॉट होने वाला है और इसमें देख सकते हैं कि आपको इसका लॉट साइज़ में इतने शेयर टोटल आपको देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करें इसका टोटल इशू साइज की, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये आपको जो टोटल IPO है, जो आपको FPO है, आपको 18,000 करोड़ का टोटल FPO होने वाला है जो कि दोस्तों आपका टोटल फ्रेश इशू होता हुआ दिखेगा। अब दोस्तों बात करें लिस्टिंग के रिगार्डिंग, तो दोस्तों इसका जो लिस्टिंग आपको BSE और आपका NSE दोनों पे होता हुआ दिखेगा, जैसा कि आप इस IPO केस में देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों इस पर नज़र डालते हैं कि किस कैटेगरी से आपको कितने रुपए लगने वाले हैं और आप कितने लॉट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि आप रिटेल कैटेगरी से मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम आप 14 लॉट इसमें लगा सकते हैं। और इसके लिए देख सकते हैं कि एक लॉट में 1298 शेयर होने वाले हैं और इसके लिए मिनिमम आपको 14,278 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा और मैक्सिमम आप इसमें 14 लॉट लगा सकते हैं और इसके लिए 1,99,892 रुपये का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। और दोस्तों आप इसमें HNI कैटेगरी से मिनिमम 15 लॉट और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि 70 लॉट लगा सकते हैं और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि यदि आप बिग HNI से लगाना चाहते हैं तो आप 71 लॉट लगा सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप इस IPO केस में देख सकते हैं। और सारा डाटा आपके सामने है, इसको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि आपको कितने लॉट किस में लगाने हैं, उसी के अनुसार आप इसमें अपना जो आपका मनी है उसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कितना आपको पैसे इसमें लग सकते हैं। अब दोस्तों बात करें इसमें आपको रिजर्वेशन कोटा के रिगार्डिंग, दोस्तों आपको देखने को मिला कि YB के लिए देख सकते हैं कि आपको 50%, रिटेल के लिए 35% और इसमें HNI के लिए आपको देख सकते हैं कि 15% शेयर को रिजर्व रखा गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसमें रिजर्वेशन कोटा के रिगार्डिंग कि किसके लिए कितने परसेंट शेयर को रिजर्व रखा गया है। अब चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दोस्तों देखते हैं कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग क्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग के रिगार्डिंग तो बात करें तो आपको देखने को मिला कि FPO आने से पहले जो आपको इसमें प्रमोटर की जो होल्डिंग देखने को मिल रही है 48.75 और इस FPO को मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद देख सकते हैं कि 36.87 देखने को मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आप इस FPO केस में देख सकते हैं। अब दोस्तों आपके इसके विषय में तो सबको तो पता ही होगा कि दोस्तों जैसा कि पहले इसका जो आपको टोटली आपको या तो वोडाफोन था वरना आइडिया था, लेकिन दोस्तों जब कोई कंपनी को आपको इसमें काफ़ी अच्छा इसमें मैंने आपको मुनाफा दिखता नहीं, मतलब नहीं दिखा और इनका जो आपको डिक्लाइन होने लगा इनका सर्विसेज, तो दोस्तों इन्होंने आपको पार्टनरशिप के तहत आपको हमने वोडाफोन आइडिया दोनों आपस में इन्होंने आपको मर्ज होता हुआ दिखा। अब दोस्तों बात करें इसके यदि आप इसकी फॉर्मेशन को तो आपको देखने को मिला कि कंपनी आपको मार्च 1995 में आपको फॉर्मेशन होता है इस कंपनी का दिखा हुआ था और कंपनी का मेनली काम क्या है, तो दोस्तों आपको इंडिया में आपको टेलीकॉम सर्विसेज आपको प्रदान करती है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। अब इनके माध्यम से क्या क्या आपको सुविधाएं दी, तो आप देख सकते हैं कि आपको वॉइस कॉलिंग हो गया, फिर डाटा ट्रांसफर हो गया, या आपको डाटा हो गया, फिर आपका वैल्यू एडेड सर्विसेज हो गया, और जिसका हम देख सकते हैं कि आपको 2G, 3G, 4G आपको टेक्नोलॉजी आपको प्रदान करती है, और इसका आप देखते हैं कि मैसेजिंग हो गया, डाटा आपको डिजिटल डाटा सर्विसेज हो गया, फिर आपको इंटरप्राइजेस हो गया, फिर आपको कंज्यूमर्स के लिए भी आपको प्रदान करती है, जैसा कि दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों जो आपको डाटा इसमें देखने को मिल रहा है कि देख सकते हैं कि 31 दिसंबर 2023 के अनुसार जो वोडाफोन है ये आपको ऑफर करता है मोबाइल एंड फिक्स्ड सर्विसेज कितने, तो देखते हैं कि 300 मिलियन आपको जिनके जो कस्टमर हैं उनको प्रदान करता है और कितने कंट्री में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको 17 कंट्रीज में देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसका जो आपको अदर का जैसे देखने को मिला कि अलग अलग जो आपको नेटवर्क है उनके साथ आपको इसमें कोलेबरेशन भी देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको जो टोटल आपका जो
45 कंट्री में देखने को, अदर कंट्री में देखने को मिल रहा है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। और इन्होंने आपको पूरे वर्ल्ड लेवल पर तो काफ़ी अच्छा इंटरनेट और इसमें और भी आपको सुविधाओं को प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों टोटल टावर की बात करो तो आपको देखने को, जो आपको डाटा देखने को मिला दिसंबर 2023 के अनुसार, तो टोटल इनका जो ऑपरेशन है 1,83,400 टोटल टावर देखने को मिल रहा है, जो कि आपको पूरे इंडिया में इनका आपको अलग अलग लोकेशन पर फैला हुआ है। और दोस्तों बात करेंगे तो आपका जो ब्रॉडबैंड है, तो आपको ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी काफ़ी आपको फैला हुआ नजर आ रहा है। और इनके हिसाब से देखते हैं कि 4,38,900 यूनिट आपका इन्हें पूरे इंडिया में आपका फैला हुआ नजर आएगा। अब दोस्तों बात करें कि जैसे कि आपको डाटा देखने को मिल रहा है कि ये आपको 4G पे भी काम कर रहे हैं, और इसका जो आपका इंक्रीज है उसमें आपको इंक्रीज वर्जन पे भी काम करता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले टाइम पे और उनका जो उनका सर्विसेज है उसको आपको इम्प्रूवमेंट में ये लगे पड़े हैं। और दोस्तों बात करें इनके पास टोटल इम्प्लॉय की, तो आपको देखने में कि जो डाटा आपको निकल के आ रहा है दिसंबर 2023 के अनुसार, तो देख सकते हैं कि इनके पास टोटल अभी आपका 12,598 टोटल आपका इम्प्लॉय देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, तो दोस्तों ये तो कंपनी करती क्या, उनका सारा डाटा हो गया। अब दोस्तों बात करें कि कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है, तो चलिए उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको देखने में कि यहाँ पर जितने भी डाटा आपको मैं आपको डिस्कस करूँगा सभी आपको करोड़ में होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि मार्च 2022 से लेकर मार्च 2023 के अंदर आपको देखने को मिलेगा इनका जो आपका रेवेन्यू है आपको 9.95 का इंक्रीज किया है, लेकिन जो इनका जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिला कि माइनस में जाता हुआ दिखा है, जो कि आपको -3.74 देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि यहाँ तो आपका इनका रेवेन्यू इंक्रीज किया है, लेकिन उसके मुताबिक आपको इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में आपको इसमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों देखने को मिला कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके एसेट की बात करके, तो इनका एसेट भी आपको काफ़ी अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको अप देखने को मिल रहा है, फिर यहाँ थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ आपको अप देखने को मिल रहा है, फिर थोड़ी बहुत यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इनका जो बिजनेस भी वैसे आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों इनका जो रेवेन्यू आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं कि 42,126 करोड़, फिर देख सकते हैं कि 42 जगह फिर इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली, फिर 38,000 आ गया, फिर 38,000 के बाद फिर आपको 42,488 करोड़, फिर देखने को मिला कि 32,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों इनका जो प्रॉफिट में है, तो देखो प्रॉफिट भी आपको इसमें आपको नेगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है, पर देख सकते हैं कि 44,000 का इसमें लॉस देखने को मिल रहा है। फिर इसमें लॉसेस के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि आपको इसमें फिर अगले क्वार्टर में फिर इनको अलग ही आपको लॉसेस देखने को मिले। तो दोस्तों इनका जो लॉसेस भी देखने को मिल रहा है, तो इनके आज के जो फाइनेंशियल है काफ़ी आपको उतना एट्रेक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है। और सारे डाटा तो दोस्तों आपके सामने हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात इस कंपनी के ऊपर, जैसे कि आपको देखने मिल इनके ऊपर हाथों में आपको बोरिंग भी काफ़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है, जो आपको इसमें करंट टाइम में देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर बोरिंग आप देख सकते हैं कि 2,03,425 करोड़ का टोटल इनके हाथों में बोर्निंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कंपनी आपको एक कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, और इनके हाथों में आपको बोरिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इनका आपको की इंडिकेटर पर नजर आपको नज़र डालें, तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, तो देख सकते हैं कि कंपनी आपका टोटल 73,131 करोड़ का टोटल कंपनी का आपका क्या है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब दोस्तों बात करें आपका इसके EPS की बात करें, तो दोस्तों इसका जो अर्निंग पर से आपका नेगेटिव में जाता हुआ दिख रहा है, आपका जो आपका IPO आने से पहले देख सकते हैं कि इसका जो -5.85 है, और IPO आपको आने के बाद देख सकते हैं कि माइनस में 4.73 देखने को मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। और दोस्तों इनका जो P है वो भी आपका नेगेटिव में है, जैसा कि दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको सारा डाटा होगा। दोस्तों बात करें कि मार्केट में आकर इस कंपनी इस FPO को लेकर आना क्यों चाहती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो दोस्तों आपको देखने को मिला कि इनका जो क्या करना चाहते हैं देख सकते हैं कि इनका आपका परचेस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नेटवर्क। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि और इनका जो नेटवर्क बोलिए और इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलिए उसको और आपका इसमें बढ़ाना चाहते हैं, और आपका देख सकते हैं कि न्यू आपका जो 4G साइट है उसको अभी आपको बढ़ाना चाहते हैं और उसको और आपको एक्सपेंशन करना चाहते हैं, और आपको अलग अलग सिटी में 4G जो आपका नेटवर्क है उसको भी आपको बढ़ाना चाहते हैं, और आपको कुछ नए साइट पर आपका 5G का भी सेटिंग ये लाने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं कि और आपका जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से भी इस आपका FPO को मार्केट में लेके आना चाहते हैं। तो दोस्तों मेनली जो इनके FPO को लाने के पीछे जो इनका है कि कंपनी का और आपका एक्सपेंशन को हमने बढ़ाया जाए, ताकि कंपनी का आने वाले टाइम पर और आपका जो इनका प्रॉफिट है उसमें आपको और आपको अच्छा देखने को मिले, और उसमें आपको कंपनी में और आपका इजाफा देखने को मिले, और कंपनी और आपको ग्रोथ करते हुए नजर आए। तो दोस्तों कंपनी का तो मोटो यही देखने को मिल रहा है, जैसा कि आपको इनमें अपना
डाटा दे रखा है। तो दोस्तों आपको ये FPO में अप्लाई करना है कि नहीं करना, आप उसमें क्या विचार रखते हैं आप अपने कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में आप बता सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी के इसमें क्या GMP चल रहा है, और यदि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो अभी के आपको कितनी की प्रॉफिट देखने को मिल सकती है। तो चलिए इसका GMP पे आपको लेकर चलते हैं और स्टेप बाई स्टेप इसका सारा डाटा को आपके साथ साझा करते हैं। और दोस्तों यदि आप इस FPO में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों जैसा कि आप वोडाफोन आईडिया के सब्सक्रिप्शन डाटा पर आपको नजर डालें तो आपको देखने मिलेगा, अभी जो आपको डाटा देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि ओवरऑल आपका 0.92 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। और जिसमें यदि द्वारा आपका बड़े आपका इन्वेस्टर होता है आपको देखने मिलेगा, इसमें आप देख सकते हैं कि एंकर इन्वेस्टर ने आपको 1 टाइम सब्सक्राइब किया है और अभी तक आपको जो डाटा देखने को मिल रहा है और इनकी तरफ से 5400 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों KKYB ने अभी आप इस IPO को देख सकते हैं कि आपको 1.05 टाइम सब्सक्राइब किया और इनकी तरफ से देख सकते हैं कि 3783 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। और दोस्तों बात करें इचनाई की तो आपको देखने मिलेगा कि इचनाई ने इस IPO को देख सकते हैं कि अभी तक आपका 1.92 टाइम सब्सक्राइब किया है और इनकी तरफ से देख सकते हैं कि आपको 5188 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आते हुआ दिख रहा है। और जिसमें आपको देखने को मिल रहा है कि आपका रिटेल ने इस IPO को देखते हैं कि 0.41 टाइम सब्सक्राइब किया है और इनकी तरफ से जो आपको देखने को मिल रहा है कि 2612 करोड़ का टोटल एप्लीकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों अभी तक आपको जो सब्सक्रिप्शन जो डाटा देखने को मिल रहा है काफ़ी शानदार देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए मार्केट में आपको जब से क्लोजिंग होती दिखेगी तो आपको जो डाटा है अभी आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें यह कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए कि अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको इसमें जो इसका जो GMP चल रहा है उसमें भी करना डाल लेते हैं, फिर आपको इसमें कंक्लूजन बताते हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों बात करें वोडाफोन आइडिया FPO IPO के GMP के रिगार्डिंग, दोस्तों देखिए इसका GMP आपको 50 पैसे पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है और इस IPO का जो ऑफर प्राइस बैंड है 11 रुपये का, दोनों को ऐड करने के बाद 11.5 रुपये निकल के आता है। इन परसेंटेज गेन की बात है तो आप देख सकते हैं कि आपको अराउंड 5% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इसके GMP की बात करें तो उसका GMP देखते हैं कि आपको 1.50 रुपये किसने हाई लगा था वो पहले दिखा था और करंटली आपको देख सकते हैं कि आप इसमें गिर गिर के देख सकते हैं कि 1.70 रुपये किसने हाई लगा गिर गिर के आपको अभी करंटली आपको देख सकते हैं कि 50 पैसे पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो दोस्तों आपको इस FPO के विषय में आपको क्या ख्याल रखना चाहिए इसके विषय में आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप इसमें आज का डाटा देखिएगा, आपको कम से कम 1:30 से 2 बजे का आप डाटा देखिएगा आपको क्या देखने को मिल रहा है, और 1:30 से 2 बजे का डाटा देखिएगा और इसमें आपको ये देखना है कितना PM का कि आपको इसमें जो सब्सक्रिप्शन का जो डाटा है जो कि आपका बड़े प्लेयर हो गए KYB और आपका चेन्नई उनका सब्सक्रिप्शन डाटा कैसा नज़र आता है और इसके GMP में क्या कुछ चेंज देखने को मिलता है। तो जो आपको लेटेस्ट GMP जो आपको 1:30 से 2 बजे या 2:30 बजे जो डाटा देखने को मिलेगा इसके अकॉर्डिंग जो आपको इसका GMP में और उछाल देखने को मिलता है या आपको सब्सक्रिप्शन डाटा और भी इसमें तगड़ा इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो आप इस FPO की तरफ जा सकते हैं, वरना दोस्तों आपको इसमें लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। बाकी दोस्तों फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको इसमें क्या करना है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।